अब हम अपने सेकेंड पार्ट एप्लीकेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म की तरफ जाएंगे, जहाँ पर हमको, जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो में वो डिस्कस किया था कि हमें स्टेप्स कैसे फॉलो करना है, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि हमें स्टेप्स, चार स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहले स्टेप में हमें लैपलास ट्रांसफॉर्म दोनों तरफ लेना होगा, LHS और RHS पे। सेकेंड स्टेप में हमें Y बार LHS पे रखना है और बाकी टर्म राइट हैंड साइड पे रखना है। हमें पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से उनको सॉल्व करना है और फिर हमें इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म लेना है। जैसे कि वाई बार वाई डबल डैश और वाई दिया रहेगा, तो हमें इस फॉर्मेट में लिखना है कि s³ वाई बार माइनस s² वाई ऑफ 0 माइनस sy-0 माइनस y"-0। मतलब यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, अगर आपको याद करने का टर्म है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कि पहले 3s³ s² s^2 और s³ y⁻ s²y(0), मतलब यहाँ पहले y⁻ y(0), फिर y⁻¹, फिर y"₂₀। मतलब फर्स्ट टाइम y बार रहेगा, सेकंड टाइम y₀, सेकंड टाइम उसका डेरिवेटिव, थर्ड टाइम उसका डेरिवेटिव, और इसका टाइम डिक्रीज होता है। वैसे ही सेम यहाँ पर भी करना है, यहाँ s²y⁻ पहला टर्म आएगा, यहाँ sy₀, फिर sy₂₀, और यहाँ पर फिर sy₂, और यहाँ y₀। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं, बट हमें ये याद करना पड़ेगा कि l(y) = y₂। तो अब हम एक सम देखते हैं इस बेसिस पे। यहाँ d² मतलब डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, d मतलब सिंगल डेरिवेटिव, और phi इज़ अ कॉन्स्टेंट। तो मतलब यहाँ y के रिस्पेक्ट में जैसे हम कांस्टेंट रखते हैं, जैसा कि हमने सेम टू में देखा था, जैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता था कॉम्प्लेक्स का, तो डिफरेंशिएशन का, तो हमें d के फॉर्मेट में दिया होता था। तो यहाँ क्वेश्चन दिया है d² + 2d + 5 (y) = e⁻ t sin t, वेयर y₀ = 0। मतलब यहाँ y की वैल्यू, जब x की वैल्यू 1 होगी तब 0 है, और y₁₀ = 1। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हम पहले इक्वेशन लिखेंगे जो हमें गिवन है, फिर स्टेप वन के हिसाब से हम लैपलास दोनों तरफ लेंगे। तो हमने अगर लैपलास लिया, तो हमें लैपलास ऑफ डबल डेरिवेटिव, क्योंकि डबल डेरिवेटिव था, प्लस 2 टाइम्स सिंगल डेरिवेटिव, प्लस 5 × लैपलास ऑफ कॉन्स्टेंट, लैपलास ऑफ कॉन्स्टेंट y, -(= लैपलास ऑफ e⁻ t sin t। हमने ये सॉल्व किया तो हमको ये वैल्यू मिली, और हमने ये फॉर्मूले की मदद से हमने यहाँ पर ये इक्वेशन लिख दिया। हमने उसको सिंप्लीफाई करके एक शॉर्ट इक्वेशन में लेके आए, जो कि ये y²(s²+2s+5) था। और हमें, जैसा कि सेकेंड स्टेप में हमें पता है कि y⁻ को इस साइड रख के बाकी के सब टर्म वहाँ भेजने थे, तो हमने वैसा ही किया है। y⁻ को यहाँ पर s²+2s+3 / s²+2s+2 × s²+2s+5 किया है, और फिर हमने पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करके हमने यहाँ पर c और d की वैल्यू निकाली, फिर उनको y⁻ में सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमने इनवर्स लैपलास दोनों साइड ले लिया, तो y⁻ से वो y हो गया, और हमें कांस्टेंट अलग करके हमने उसका इनवर्स लैपलास ले लिया। इनवर्स लैपलास लेकर हमने सॉल्व किया, यहाँ पर हमने कॉमन लेके हमने e⁻¹ लिखा, और फिर हमने सॉल्व किया। बस इसी प्रकार से हम एप्लीकेशन ऑफ लैपलास कर सकते हैं। अगर अभी हम सेकंड अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ, हैवी साइड फंक्शन की तरफ जाएंगे, हैवी साइड, तो उसका फॉर्मेट l(f(t)h(t-a), मैंने स्टेप्स पहले भी डिस्कस किए हैं, फिर से कर रहा हूँ। f(t) और a हमें फाइंड करना है, फिर f(t+a) से रिप्लेस करना है, फिर उसका लैपलास निकाल के रिजल्ट को e⁻¹ से मल्टीप्लाई करना है। तो हम उसका एक सम देख लेते हैं। यहाँ पर ये लैपलास क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ f(t) ये है लैपलास f(t), ये क्वेश्चन दिया हुआ है, f(t) हमें फाइंड किया, a फाइंड किया,
फिर हमने एफ ऑफ टी टी प्लस ए को फंक्शन में जहाँ जहाँ टी था वहाँ हमने टी प्लस ए किया, फिर हमने उसको एक्सपांड किया ब्रैकेट, एक्सपांड करने के बाद हमें ये वैल्यू आई, फिर हमने उसका लैपलास निकाला, लैपलास निकालने के बाद वैल्यू ये आई, फिर हमने लैपलास निकाल कर उस टर्म को ई रेस टू माइनस टू एस ए एस से मल्टीप्लाई कर दिया, ई रेस टू माइनस ए एस से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये वैल्यू आई इन टर्म्स ऑफ एस आई। तो बाय डेफिनेशन हमने एस की वैल्यू वन पुट कर दी, तो अगर एस की वैल्यू वन पुट किया हमने तो ई रेस टू माइनस टू और ये 41 प्लस 58 प्लस 54 प्लस 24 है और ये हमें वैल्यू मिल गई। तो ये था हैवी साइड, और ये हैवी साइड इंटीग्रल में जैसे मैंने बोला था कि हमें फंक्शन दिया होगा यहाँ जीरो टी वेरी करेगा जीरो टू पाई टी, फिर से सेकंड फंक्शन के लिए पाई टू टू पाई वेरी कर रहा है और थर्ड फंक्शन के लिए टू पाई से इन्फिनिटी वेरी कर रहा है। तो यहाँ तीन फंक्शन के एडिशन है, तो तीन फंक्शन के एडिशन में कर रहे हैं और कोई फ़र्क नहीं है, बस साइन एच टी माइनस पाई साइन टू टी साइन टू टी एच टी माइनस पाई एच टी माइनस टू पाई प्लस साइन थ्री टी एच टू माइनस पाई और साइन एफ ऑफ टी हमने निकाला उसमें से, फिर एल ऑफ फिर एक 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 सेपरेट करके एल ऑफ एफ वन एफ टू करके हमने सॉल्व किया, लैपलास निकाला, फिर हमने एफ टू के लिए भी सेम प्रोसेस किया और फिर हमने तीनों को ऐड करके ई रेस टू माइनस एस से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ई रेस टू माइनस एस इंटू एफ ऑफ एस का इनवर्स लैपलास निकालना है तो हम ये प्रोसेस फॉलो करेंगे, फाइंड एफ ऑफ एस एंड ए, फिर उस एफ ऑफ एस का लैपलास इनवर्स निकालेंगे, उसको एफ ऑफ टी से रिप्लेस करेंगे और अगर हमें और पूरे सम का और लैपलास क्वेश्चन जो रहेगा जो लैपलास इनवर्स अगर पूरे क्वेश्चन का निकालना है तो हम एफ ऑफ टी माइनस टी को टी माइनस ए से रिप्लेस करेंगे और एच टी माइनस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक उसका एग्जांपल देख लेते हैं, ये ई रेस टू फोर माइनस थ्री एस अपॉन एस प्लस फोर डिवाइड बाई फाइव बाई टू इंटू ई रेस टू माइनस थ्री एस है, हमें एफ ऑफ एस पता चला ये एफ ऑफ एस है और ए इक्वल टू माइनस थ्री है, ए इक्वल टू थ्री है क्योंकि ई रेस टू माइनस ए एस होता है। तो हमने लैपलास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस निकाला जो ऐसा ई रेस टू फोर एस प्लस फोर फाइव बाई टू, ई रेस टू फोर कॉमन है जैसे कि ये कॉन्स्टेंट है, वन अपॉन एस प्लस फोर फाइव बाई टू ई रेस टू फोर ई रेस टू माइनस फोर्टी, यहाँ पर एस प्लस फोर रेस टू फाइव था तो ई रेस टू माइनस फोर्टी लिया, बाहर निकाला शिफ्टिंग थियरम से इनवर्स शिफ्टिंग थियरम से फर्स्ट इनवर्स शिफ्टिंग थियरम से ई रेस टू फोर ई रेस टू माइनस फोर्टी और ये वन अपॉन एस फाइव बाई टू का लैपलास इनवर्स टी रेस टू एन फॉर्मूला से हम लोग टी थ्री बाई टू डिवाइड बाई फाइव और गामा फाइव बाई टू, ये हमने सॉल्व किया इसको सिंप्लीफाई किया और आंसर में एच टी माइनस थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया, रिप्लेस टी बाई टी माइनस। तो इस प्रकार था हैवी साइड फंक्शन। अब पीरियोडिक फंक्शन की तरफ जाते हैं हम। इफ़ एफ ऑफ टी इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड देन एल ऑफ एफ ऑफ टी वन अपॉन वन माइनस ई माइनस ए एस जीरो टू ए, यहाँ लिमिट जीरो टू ए वेरी कर रही है, ई रेस टू माइनस एस टी एफ टी डी टी। तो हम उसके ऊपर से हमें कुछ नहीं, जहाँ जैसा कि हमने पहले भी लैपलास में किया था कि इंटीग्रल हमें ई रेस टू माइनस एस टी फंक्शन से मल्टीप्लाई करके उसका लिमिट जीरो टू ए लेना है, जीरो टू ए लेना है और वन अपॉन वन माइनस ई माइनस ए एस से मल्टीप्लाई करना है, या ये क्वेश्चन में लिमिट दी होगी। तो लैपलास इनवर्स ऑफ क्वेश्चन हमने पहले फॉर्मूला लिख दिया और ये जीरो टू 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 है क्योंकि यहाँ वैल्यू जीरो टू टू ए वेरी कर रही है, इसलिए जीरो टू टू ए। तो यहाँ एक जीरो टू ए फंक्शन एफ ऑफ ई रेस टू माइनस एस टी यहाँ पर वन और माइनस वन पे वेरी कर रहा है, तो वन और माइनस वन पे वेरी कर रहा है, उसको हमने इंटीग्रेट करके सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमें वैल्यू इस प्रकार आई, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करके
ये लाया वन अपॉन एस टेन इन टेन एच हाइपरबोलिक ए एस अपॉन टू, जिसका वेव फॉर्म अगर हम ड्रॉ करें तो स्क्वायर वेव आएगा जो कि पीरियोडिक है। तो इस प्रकार हम पीरियोडिसिटी हम इससे पता कर सकते हैं। थैंक यू। तो ये था हमारा फोरियर सीरीज ऑफ क्या बोलते हैं हम, ये था हमारा लैपलास ट्रांसफॉर्म इसका सेकेंड पार्ट। मैंने अपने पहले वीडियो में भी बहुत सारे टाइप और बहुत सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं, तो आप उन सबको पढ़िए, उनको समझने की कोशिश करिए। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो से रिलेटेड कुछ भी। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आप सब्सक्राइब करें, आप लाइक करें, शेयर करें, और जितने ज़्यादा पॉसिबल है आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास पहुँचाइए ताकि उनको भी हेल्प हो सके और यह उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। सो थैंक्स गाइस, कीप वॉचिंग द अवी सॉल्यूशन। थैंक यू।